बिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने वोट की इज्जत को बेटियों की इज्जत से बड़ा बताया है। दरअसल शरद यादव पटना में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसी दौरान वोट के महत्व को समझाते समझाते वह कुछ ऐसा बोल गए कि कार्यक्रम में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि लोगों को बैलेट पेपर के बारे में समझाने की ज़रूरत है, बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है, बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, अगर वोट बिक जाता है तो देश की इज्जत बिक जाती है। आइए आपको सुनाते हैं बेटियों को लेकर शरद यादव का दिया ये शर्मनाक बयान। हर तरह का सपना, जिन लोगों का सपना, जिन लोगों ने सपना देखा था उनके नाम पर हम लोग यहाँ इकट्ठा है, वो सपना कैसे ठीक हो, ठीक होने में ये जो बैलेट पेपर है, याद रखो इसके बारे में सब जगह बड़े पैमाने पर समझाने के लिए बता देंगे। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है, ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है, बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं। वैसे इतना ही नहीं, शरद यादव ने तो बिहार में अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की नंबर एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज इमरजेंसी के समय से भी खराब है। शरद के बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है, वहीं आरजेडी ने शरद के इस बयान से पल्ला झाड़ दिया है। पार्टी के सांसद जयप्रकाश यादव ने उनके इस बयान को निजी बयान बताया है। तो बेटियों को लेकर दिए शरद यादव के शर्मनाक बयान ने जेडीयू की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शरद यादव ने महिलाओं के खिलाफ बोलकर आफत मोल ली थी। एक बार तो उन्होंने भारत में राष्ट्रपति की अहमियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। देखते रहिए डीबी लाइव।